देखा जाएगा उनकी उपस्थिति में क्या क्या मैच के दौरान गोल खेलेगी। दोनों ही दरमदार जीत के लिए दावेदार। एक अचूक तालमेल के लिए जाने जाते हैं टाटा जमशेदपुर के खिलाड़ियों को। और इस बीच बॉल का सारा हो चला है, कब्जा जमाते हुए बहुत बड़ा फिजिकली चैलेंज दिन है। इस टूर्नामेंट का समापन किया जाएगा और कई तरह का प्रोग्राम यहाँ पे सजाया जा चुका है। मानो गुलदस्ते हूँ और उस गुलदस्ते में कई बगीचों से चुन चुन कर फूलों को लाकर एक जगह इकट्ठा कर लिए हूँ, वैसा ही यहाँ पे प्रतीत हो रही है। एक से बढ़कर एक प्रोग्राम यहाँ पे सजाया गया है। फुटबॉल के साथ साथ पारा का भी आयोजन किया गया है और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स इवेंट्स। अंदरा कुछ ऐसे खिलाड़ी भाई अकेले के दम पर गदर मचा सकते हैं, कयामत बना सकते हैं, सुनामी लहर पैदा कर सकते हैं। जब इंतजार है हमारे दर्शकों को कि कब ये कहानी बनेगी। और इस कहानी के रचयिता कौन होंगे उसके लिए अब इंतजार हो रहा है। और इस मैदान को बड़ी ही शिद्दत के साथ सजाया संवारा गया, जबकि कुछ नेचुरल सपोर्ट भी है। मैं दिल से धन्यवाद दूंगा आयोजन कमेटी को, कुटरापाड़ा के तमाम सक्रिय कार्यकर्ताओं को और ग्रामीणों को कि मैदान के चारों तरफ जो हम चाहेंगे, हम सभी चाहेंगे कि पेड़ों का रक्षा हो, वातावरण को ड्रेन्स में लाया जा सके, संतुलित कर सके। और एक एक कार्यकर्ताओं का, एक एक ग्रामीणों का भरपूर सहयोग है इस मैदान का शोभा बढ़ाने के पीछे। टाटा टीम को जमशेदपुर के चार नंबर के खिलाड़ी एक चर्चित खिलाड़ी है, मगर कुछ कर गुजरने की बारी है। खिलाड़ियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कुछ कर गुजरने की बारी है। और ये मौका था चार नंबर के लिए, लगता है चोट लगा है। हमारे जिस मेडिकल स्टाफ है कि आप फटाफट पानी का व्यवस्था करेंगे, पानी और झोले की व्यवस्था कर दें। दीपक सोरेन जिन्होंने अकेले पांच गोल लगे थे वो भी एक ही मैच में, वैसे हैट्रिक के लिए तरसते हैं खिलाड़ी। मगर कल एक ऐसा कारनामा हुआ, एक ऐसे कीर्तिमान स्थापित हुई जो आने वाला कई समय तक उसे स्मरण की जाएगी, याद के रिकॉर्ड बनाया था। जहां एफसी के छह नंबर के खिलाड़ी दीपक सोरेन के द्वारा बीते कल प्रथम दिन छह गोल दागने का रिकॉर्ड कायम हुई है। जहां तो बड़े दल एक वेस्ट बंगाल और एक झारखंड के बीच में खेला गया और यहां बंगाल टाइगर जीत हासिल करने में नाकाम रहे। बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन किया था, दिल जीतने का काम किया मगर मैच गवाए। दूसरी तरफ साउथ इंडियन साउथ ईस्ट रेलवे जीत हासिल कर चुके हैं। उनमें से एक ऐसे खिलाड़ी, एक होनहार खिलाड़ी, एक जोशीले खिलाड़ी और टूर्नामेंट में उसकी झलक मिलती है। सुनील सोरेन
जर्सी नंबर 28 जिनका मैच में दबदबा रहा, बहुत बड़ा कारनामा रहा और नतीजतन मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार उनके नाम हो चुकी है, चयनित हो चुके हैं कि आप चले आप आपका पुरस्कार ले जाए। मोस्ट मोस्ट वेलकम है आपका। और हम पूर्ण करने जा रहे हैं। सबसे पहले 11 नंबर जर्सी का जरूर जिक्र होगा, पिंटू टूडू है। 10 नंबर जर्सी में मैसी टूडू, 15 नंबर में राम राय मुर्मू है, 19 नंबर में काली टूडू, 7 नंबर में रघुनाथ, 8 नंबर में सनातन, 19 नंबर जर्सी में है मुन्ना मुर्मू, 17 नंबर में सूरज और 14 नंबर में संजय। समस्त দর্শক বিন্দুদের কাছে যে আমরা আশা রেখেছিলাম সেই আশা কিন্তু পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের প্রত্যেকটা দর্শক এই টুর্নামেন্টকে সহযোগিতা করেছে, আপনাদের যে ভালোবাসা আমরা কোনোদিনই ভুলব না। আমরা অবশ্যই আপনাদের কাছে এক্সপেকটেশন রাখব, অবশ্যই আপনারা শেষ পর্যন্ত সহযোগিতা করতে থাকবেন। আমি সবাইকে জানিয়ে দিই খোঁজা সেই সুযোগ কি খুঁজে পাবে, সেই সুযোগ কি তৈরি করতে পারবে, না খেলা এইভাবেই শেষ হবে, এই প্রশ্ন আমাদের সবার জন্য। এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা অবশ্যই পাবেন এই খেলার মাধ্যমে। সুন্দর খেলা পরিবেশন চলছে, এই খেলার পরিবেশনের মধ্যে দুটো পাওয়ারফুল দল, দুটো শক্তিশালী দল। আমরা সবই দীর্ঘ প্রতীক্ষা করেছিলাম এই টুর্নামেন্টের জন্য, প্রত্যেক বছর কিন্তু এই টুর্নামেন্ট পাড়ার পক্ষ থেকে আয়োজন হয়। আমরা উপস্থিত হয়েছি, 28টা দলে খেলা চলছে। গতকালের বিজেতা দল G37 ফাইনালের মধ্যে প্রবেশ করেছে এবং আজকে আমরা দেখব এই 12টা দলের মধ্যে কোন দল ফাইনালের মধ্যে প্রবেশ করবে। এখানে আবার সুযোগ হতে পারে 15 নম্বর খেলোয়াড়, দূর থেকে চেষ্টা টার্গেটে রাখার কথা কিন্তু বল চলে যাবে মাঠে দক্ষিণ প্রান্ত, গাড়িটি পাওয়া গেল না এবং তার অপোজিট দল হবে লাড়া এফসি। আবার একটা দুর্দান্ত খেলা হবে, তার পূর্বে আমি অবশ্যই ইনফর্ম করতে চাই, অবশ্যই আমি আগ্রহ করতে চাই, আমন্ত্রিত করতে চাই লারা এফসির যে অধিনায়ক মহাশয় বা ক্যাপ্টেন মহাশয়, ক্ষমা চাই ম্যানেজার মহাশয়, আপনারা অবশ্যই কমিটির সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করবেন। কি সুন্দর দৃশ্য এখানে এই খেলার মাধ্যমে, প্রত্যেকটা খেলোয়াড় এখানে সংঘর্ষ করে যাচ্ছে দলকে উত্তীর্ণ করার জন্য, দলকে উইন করার জন্য। এখানে 10 নম্বর খেলোয়াড় কিছু একটা নতুন করতে চায়, আবার ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ আলগা করে এখানে আপিল করা গেছিল,
আপনি কিন্তু এখানে অ্যাকসেপ্ট করে গেলেন না এই ফুটবলের আনন্দ উপভোগ করার জন্য। অত সুন্দর এখানে প্রোগ্রামের আয়োজন হয়েছে, একদিকে ফুটবলের খেলা হবে স্পোর্টস ইভেন্টস এবং আরেকদিকে হবে মুরগাপাড়া। আর এই সুন্দর প্রোগ্রাম আয়োজন করেছে কুটরাপাড়া। আমাদের সমস্ত দর্শক বৃন্দকে কুটরাপাড়ার পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখনো পর্যন্ত স্কোর করতে পারে না, প্রথম স্কোরের জন্য সেরা দল বা সেরা খেলোয়াড় এখানে রয়েছে। ২৮ নম্বরে খেলোয়াড় সুনীল সরেন, and really really our presented audience are very very excited for every match, and you are watching the first round sixth match ongoing here in this playground between Rajesh Sporting and Tata Telco Jamshedpur. Match result 0-0 till now. Both teams players hold delivery here for leading goal. Match result 0-0. Rajesh Sporting nil and Tata Telco also nil. Every players are struggling here for leading one, and every player have a big responsibility or with this match. Fantastic shooting and fantastic goalkeeping effort. Coming back of his series. Three players.